हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। व्यूवर्स, आज मैं आपको 30x40 फीट में बना हुआ फर्स्ट फ्लोर घर का वॉक थ्रू दिखाऊंगा। ग्राउंड फ्लोर वॉक थ्रू के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये जो है ओनर कम रेंटल सेपरेट दिया गया, सो जब भी आप रेंट पोर्शन से जाते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा ओनर के लिए। लेट अस एंटर इनटू द हाउस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द इंजीनियर एंड द हाउस ओनर। डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत और डिसेंट है, डिसेंट डिज़ाइन। ये देखिएगा सेपरेट बनाया गया है, सो स्टेयरकेस जब भी आप चाहते हैं रेंट पोर्शन में जो भी लोग आते हैं घर के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होना बोले तो सेपरेट स्टेयर्स इस तरह से दिया गया। ओके, यहाँ पे एक शॉप बहुत ही बेस्ट बनाया गया। वहाँ से एंट्रेंस लिए गए थे और इधर जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए। फिर वहाँ से एंट्रेंस दिए गए थे, उधर से एंटर होएगा घर के अंदर। इधर जो एक पोर्शन रेंट का एंड इस तरफ जो है ना दूसरा पोर्शन आपको मिल जाएगा रेंट्स का। ओके, इधर एक पोर्शन है तो यहाँ पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा किसी का भी। इधर एक छोटा सा सेटआउट कम ड्राइंग रूम, साइज इज अप्रोक्सीमेट 10x11 फीट। और यहाँ से एंटर हो गए घर के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा बाथरूम और बेडरूम, इधर किचन। इधर जो है आपको किचन हो गया। ओके दोस्तों, ये शेल्फ सपोर्टिंग के लिए बनाया गया। यहाँ पे यहाँ से एंटर होते हैं बेडरूम में, बेडरूम विथ अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथ, स्पेसियस और कंफर्टेबल बेडरूम। तो इस तरह से बेडरूम बनाया है, बहुत कंफर्टेबल स्पेसियस है। तो ये हो गया आपका 1 BHK पोर्शन एट द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ साइड। अब हम देखते हैं नॉर्थ और ईस्ट की तरफ किस तरह से वन सिंगल पोर्शन बनाया गया है। लेट अस सी। यहाँ से दोस्तों आप जाते हैं और एक पोर्शन की तरफ नॉर्थ एंड ईस्ट की तरफ से। इधर जो है कपड़ा वॉश करने के लिए भी जगह मिल जाएगा आपको, एज लाइक यूटिलिटी। कोई आपके घर के अंदर गेस्ट आए तो हैंड वॉश, लेग वॉश के लिए भी जगह, कपड़ा वॉश करने के लिए भी थोड़ा सा सफिशेंट कन्वीनियंट जगह मिल जाएगा। एंड यहाँ से एंटर हो गए आप घर के अंदर। ये आपका हॉल, इसमें भी फॉल सीलिंग बनाएगा। और यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग रूम, कंफर्टेबल है, आराम से आप 4 जन बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ पे एक बेडरूम, तो व्यूअर्स जो ऑफसेट एरिया था ना डाउन पोर्शन में या फिर जो गैलरी पैसेज एरिया था उसको जो है कवर अप करके एक्सटेंशन किया गया, तो बेडरूम जो है बड़ा हो गया आपका।
एंड इस तरफ आप कोई यूटिलिटी या एक विंडो नहीं ले सकते बिकॉज बाजू वालों का रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो उसकी वजह से एक छोटा सा वेंटिलेटर लिया गया एंड इसकी तरफ जो है ऑफसेट एरिया छोड़ा गया था, वहाँ पे जो एक विंडो लिया हुआ है। अब आप यहाँ से जाते हैं किचन की तरफ एंड किचन से अंदर जाने से पहले जो है आप डाइनिंग हॉल से जा सकते हैं। ये आपका डाइनिंग हॉल विथ यूटिलिटी के साथ, मतलब वहाँ का वहीं आप बर्तन मांजने के लिए जगह मिल जाएगा। ये जो है दोस्तों किचन, यहाँ पे किचन आप देख रहे हैं। तो व्यूअर्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सपोर्ट द चैनल टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। थैंक यू।